हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है हमारी ट्रिप का डे 2। तो ये मैंने नॉर्मल सी टी शर्ट पहन के और ये लोअर पहन के मैं नीचे आ गई हूँ। और मैंने नॉर्मल से कपड़े इसलिए पहने क्योंकि हम जाने वाले हैं वाटरफॉल। कौन से वाटरफॉल मैं आपको चल के बताती हूँ। और मुझे पता ही नहीं था, मतलब एक दिन से मैं यहाँ पे होटल में रुकी थी और उसके पीछे मुझे लगा था ऐसे पत्थर वत्थर टूटे हैं, कबाड़ा वगैरह पड़ा होगा। बट ये देखो, ये भी एक झरना है वाटरफॉल जिसका पानी बह के हमारे होटल के पीछे से ही आ रहा था। और आवाज़ मुझे आ रही थी बट मैं आ जाई देखने नीचे, बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं वाटरफॉल, मैं बताती हूँ, नीर वाटरफॉल की तरफ हम निकल रहे हैं। और अभी का टाइम हो रहा है यहाँ पे, इस टाइम 7:30 का टाइम हो रहा है। और ये देखो, मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, हल्की हल्की सी धूप भी आ रही थी और बारिश वाला मौसम तो नहीं हो रखा था बट हवा भी चल रही थी, बट बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। तो हमने सोचा पहले वहाँ जाने से पहले हम ब्रेकफास्ट कर लें। तो ये खीरा टमाटर वेजेस वाला सैंडविच था और उसके साथ उत्तपम और ये चटनी सांभर। तो हम नीर वाटरफॉल की तरफ पहुंच चुके हैं और ये है यहाँ का मेन रास्ता, नीर झरना, जहाँ पे आप देख रहे हो कितने लोग स्कूटी से बाइक से जा रहे। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैक करके भी जाते हैं क्योंकि रास्ता थोड़ा ट्रैकिंग वाला भी है। तो यहाँ से होती है हमारी एंट्री। जैसे ही आप आधा रास्ता कवर करोगे तो यहाँ पे टिकट लेनी है आपको, जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन है। और जैसे ही मैं आगे पहुँचती हूँ, ये देखो सबसे पहला वाटरफॉल जो मुझे मिला नीचे ही, मतलब मेरा मन तो कर रहा था, वहाँ मेरी बहन मस्ती कर रही थी, देखो वो अपनी मस्ती में। और ये रही यहाँ से एंट्री, मेरा तो मन कर रहा था, मैं तो तौलिया ले कर टावल ले कर ही घूम रही थी कि चलो यही नहा लेते हैं, जहाँ मिले पानी वहीं नहा लो। बट नहीं, असली तो मेहनत यहाँ से करनी थी। तो चलते हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर, पता नहीं मैंने देखा तो नहीं, बट इतनी ट्रैकिंग तो होगी। मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई, मुझे केदारनाथ की चढ़ाई की याद आ गई है। देखो ऐसी कुछ सीढ़ियाँ वहाँ पे भी हैं और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो रही थी क्योंकि ये थोड़ा पहाड़ पे, हिल्स पे है। हमें तो हालत ही ख़राब हो रही थी यार। आधा रास्ता कवर करके आने के बाद मुझे यहाँ पे एक वाटरफॉल मिलता है जहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, बट ऊपर का भी हाइप बहुत बना रखा था कि ऊपर बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा यहाँ तो नहीं जाना, चलो थोड़ा और आगे चलेंगे हम। तो मैं निकल चुकी नीचे से, ये जो आगे की चढ़ाई थी वो 300 मीटर थी। मुझे लग रहा था केदारनाथ के बाद ये बहुत हार्ड होने वाला 300 मीटर मेरे लिए, और फिसलन भी बहुत थी। रास्ता आप देखो कितना डिफ़िकल्ट एकदम, मतलब, और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बट मैंने कहा नहीं, चल के तो जाना है बट बहुत ध्यान से, अगर कोई भी आ रहा है तो बहुत ध्यान से, एक पैर स्लिप आप सीधा नीचे। बट मैंने कहा चलो देखते हैं, जितनी हाइप बना रखी है क्या सही में ऊपर बहुत सुंदर है। तो सभी लोग, मोस्टली लोग ऊपर ही जाते, तो मैंने भी अपनी स्पीड तेज करी फटाफट। देखो भाग भाग के भाग भाग के भाग भाग के मैं ऊपर पहुँच गई। और फाइनली इतना चल के आने के बाद मुझे, मेरा एक्साइटमेंट देखो, ये फेंकी है स्टॉल, ये फेंकी टॉवल, और मेरी बहन पहले ही जाके खड़ी हो गई थी। मैंने कहा हट, मुझे भी जाना है इस वाले वाटरफॉल में, मैं जाके नहाऊं। मुझे यहाँ लगा ना ये पूरा खाली है, तो मैंने कहा यहाँ कोई भी नहीं है और चलो यहीं चलते हैं, यहीं नहाएंगे। बट यहाँ पे बीच में इतना बड़ा सा पत्थर था ना, जब मैंने इस पर पैर रखा तो मेरा पैर हो गया स्लिप, मतलब होते होते बचा। मैंने कहा नहीं भाई, रिस्क तो नहीं लूँगी। मैंने इतनी वीडियोज़ देखी है ना कि एक आपका हल्का सा रिस्क आपकी जान ले जाता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा और ऊपर चली जाऊँगी, वहाँ पर भी है अच्छा सा वाटरफॉल नहाने वाला, बट यहाँ पर मैं रिस्क नहीं लूँगी। तो हम ऐसे ही थोड़ा
पेड़ पे लटक के थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे कि चलो भाई यहाँ नहीं नहाना। फाइनली नीचे से फिर थोड़ा और ऊपर चल के आने के बाद मेरी मेहनत रंग लाई, एकदम मतलब अच्छा वाला वाटरफॉल मिल गया, खाली जैसा मुझे चाहिए था। अब आप खुद देख लो अपनी आंखों से। वाटरफॉल में नहा के और वापस रूम पे जाके मैंने चेंज कर लिया और ये जीन्स और प्यारा सा टॉप पहना है मैंने, और हम दोनों निकल चुके हैं एक कैफ़े की तरफ जिस कैफ़े का नाम है तत् कैफ़े, और ये उसकी एंट्रेंस थी और यहाँ से उसका व्यू स्टार्ट होता है। ये भी थोड़ा सा चल के जाना था तो आपको चल के मैं दिखाती हूँ। बहुत फेमस है यहाँ पे, बहुत नाम है, और किस लिए फेमस है तो दिखाती हूँ। तो ये तो पहले मुझे देख लो, क्यूट सी मैं, मेरा पूरा लुक कैसी लग रही हूँ कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये रहा हमारा प्यारा सा तत् कैफ़े, और मेरे बजरंगबली, प्यारे से बजरंगबली जी को प्रणाम करते हैं और अंदर चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि सारे शूज़ आप यहीं रिमूव कर दोगे, और तो सब लोगों ने मोस्टली अपने सारे सभी जितने लोग थे शूज़ यहाँ रिमूव करे, मैंने भी अपने शूज़ उतारे। और उसके बाद मैं आपको यहाँ का वाइब, यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। अंदर का तो व्यू जो है वो है ही काफ़ी अच्छा था। अब मेरे साथ आप आगे की तरफ आओ, मतलब जहाँ आके तो मैं थोड़ी देर के लिए खो ही गई, खो सी ही गई, मेरी बहन ऑलरेडी खो चुकी है। और जब मैं बैठी ना, और ये सामने का नज़ारा देखो, ये देखो, मतलब इतना सुंदर गंगा नदी मेरी आंखों के सामने, और हवा, पानी की आवाज़, ये प्यारा सा मंदिर, और यहाँ मैं बैठी हूँ और यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, बैठे हैं सब, मतलब अच्छे अच्छे से लोग अपने अपने काम में व्यस्त, और मैं एकदम खो गई, तो मतलब इसमें ही गुम हो गई थी। तो एक सुकून सा मिल रहा था मुझे, और फिर मैंने यहाँ हल्की सी स्माइल दी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। चलिए अब देखते हैं यहाँ के खाने का मेन्यू। तो ये जो यहाँ का खाना है ना, वो बिल्कुल मतलब कोकोनट ऑयल में वीगन फ्री, मतलब वीगन खाना पूरा, वेज, और मतलब हेल्थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हेल्दी है, सारी चीज़ें थी। बट मैं तो बार बार, मेरी नज़र तो बार बार इस नज़ारे की तरफ जा रही थी जो कि इस मेन्यू से भी ज़्यादा औसम था।
फैंटेस्टिक, मज़ेदार, मतलब बहुत ही मज़ेदार। अब मैंने क्या ऑर्डर किया था, मैंने किया था यहाँ पे चाइनीज़, नहीं नहीं तंदूरी सिजलर शायद, हाँ यही था, प्लेटर जिसमें पनीर टिक्का था, मलाई टिक्का था, मशरूम था, गोभी थी, और यहाँ पे मैंने कॉफ़ी और ये कुछ कुछ लोगों ने बनाना शेक, ये सब चीज़ें ऑर्डर की थी। कॉफ़ी तो मैं कहीं ना कहीं जाके करती हूँ, फिर बाद में वीगन थाली, ये किसी चीज़ की रोटी मैं भूल गई, बट हाँ ये सारा खाना कोकोनट ऑयल में बना हुआ है, बहुत टेस्टी, मतलब कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं। इनफैक्ट जो मैं ये प्लेटर भी खा रही थी ना, टिक्का वगैरह, ये भी खाने में बहुत अच्छा लग रहा था, कोई इसमें ऑयल नहीं, कुछ नहीं, बहुत टेस्टी खाना था। ये जो तक कैफे की बात है, थोड़ा सा महंगा तो है बट हाँ हेल्दी भी है। कॉफ़ी मैंने जो इसके बाद ट्राई की ना, वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मतलब ठीक थे, बट वो मेरे हाथ में था कि मैं शुगर मिला सकती थी कि नहीं, लेकिन मैंने शुगर नहीं मिलाई, बट हाँ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बट ओवरऑल मुझे वर्थ इट लगा बिकॉज ऑफ व्यू, जो मेरे पीछे का नज़ारा था ना वो बहुत मज़ेदार था। यहाँ खाया पिया उसके बाद हम निकल गए अपने आगे आगे की जर्नी की तरफ, जो कि है, तो मैं आगे चल के बताऊँगी, ये जिस पे हम चल रहे हैं ना, ये जानकी झूला है जिस पे लोग बाइक, स्कूटी और वॉक करके भी जाते हैं, और ये दोनों तरफ का नज़ारा देख लो हमारा मज़ेदार, और हल्की हल्की देख रहे हो बादल एकदम पहाड़ों पे आए हुए, और हल्की हल्की बूंदा बारिश, बूंदा बूंदी हो रही थी, बारिश हो रही थी, बौछारे। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा सीन हो गया था, वो क्या सीन था, हम आए थे टाइगर रिजर्व जहाँ पे 85 कुटियाँ हैं कुछ ऐसे ही है, और यहाँ देखो बारिश हो रही है, तो यहाँ पे लड़ाई इसलिए हो गई थी क्योंकि जो अंदर पुलिस वाले खड़े थे या जो भी गार्ड कह लो, मुझे नहीं पता, वो इन लोगों को, हम में से किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे थे, हमारे लिए उन्होंने क्लोज कर रखा था, और कुछ लोग थे जिनको इन्होंने VIP एंट्री दी, उस वजह से भैया लोग लड़ाई कर रहे थे।